हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज श्वेता एस चंदनकर। सो यूजीसी नेट जून 2024 के प्रिपरेशन के लिए हमने स्टार्ट किया था टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि है शिक्षण योग्यता, जो है यूनिट 1। आज उसका है पार्ट 7। इसके पहले हमने देखा था मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि थे टीचर सेंटर स्ट्रेटजी, जो कि लार्ज ग्रुप मेथड्स है, और हमने कल देखा था मिक्स स्ट्रेटजी, स्मॉल ग्रुप मेथड्स, और आज हम देखने वाले हैं लर्नर सेंटर स्ट्रेटजी, जो कि है इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स। और उसमें देखेंगे हम ट्यूटोरियल्स, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट वर्क, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, इंटरैक्टिव वीडियो, ओपन लर्निंग, और PSI और हियरिस्टिक मेथड। ओके, ग्लोबल ऑनलाइन आपके लिए लाया है UGC नेट एग्जाम जून 2024, MS सेट एग्जाम 2025 के लिए Paper 2 का कंप्लीट कोर्स। हमारे पास Paper 2 कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, कंप्यूटर साइंस, मराठी और हिस्ट्री है। इस कंप्लीट कोर्स में आपको मिलेगा डेली लाइव लेक्चर्स, फुल सिलेबस नोट्स, फुल सिलेबस टेस्ट, PYQ टेस्ट विद सॉल्यूशन, 4000 MCQ सीरीज, जिसमें आपको कंप्लीट Paper 1 क्या मिलेगा, फ्री मिलेगा, और इसकी फीस है 12,000 रुपीज़। अगर आपको ग्लोबल ऑनलाइन आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए होगी तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप Paper 1 की भी बैच ले सकते हैं, जो कि अलग अलग से भी है, या फिर Paper 2 की भी ले सकते हैं, या फिर कंबाइन भी ले सकते हैं। ओके, हम सबको पता है यूनिट 1 जो है टीचिंग एप्टीट्यूड, या फिर जो भी यूनिट्स है उनके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके टोटल मार्क है 10। ओके, देन परसों हमने इसके पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि ये वीडियोस है UGC नेट पर श्वेता मैम करके प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें आपको सब वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या फिर लाइव कर रहे हैं, तो इसके पहले के वीडियोस जो है लाइव हो चुके हैं वो आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा डीपली थोरली सब बेसिक से कर रहे हैं। ओके, देन हमने पढ़ा था टीचर सेंटर स्ट्रेटजी, जो कि थी लेक्चर्स, टीम टीचिंग, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन, डायरेक्ट टीचिंग, और हमने मिक्स स्ट्रेटजी में पढ़ा था स्मॉल ग्रुप मेथड, जो कि है ग्रुप डिस्कशन, सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, ट्यूटोरियल्स, केस स्टडी, रोल प्ले, सिमुलेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, ट्यूटोरियल इसमें भी है लर्नर सेंटर स्ट्रेटजी में, दैट्स वाई हम आज नहीं पढ़ेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड मेथड में है। ठीक है, केस स्टडी हम आज पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट पर हम आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम कल पढ़ चुके हैं। ओके, देन असाइनमेंट हम आज पढ़ेंगे, केस स्टडी पढ़ेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग पढ़ेंगे, ओपन लर्निंग पढ़ेंगे, इंटरैक्टिव वीडियो, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड हेरोस्टिक मेथड। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड मतलब कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण विधियां। द लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड ट्राई टू अकोमोडेट द डिफरेंसेस डिस्प्ले बिटवीन द लर्नर्स, मतलब कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण पद्धति या शिक्षार्थी के बीच में जो मतभेद होते हैं उनको क्या करता है, अकोमोडेट करता है लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड, और लर्नर के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको सॉल्व करता है। ओके, तो आज अभी हम नीचे देखने वाले हैं कि केस स्टडी अप्रोच देखने वाले हैं, कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग, ओपन लर्निंग और पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। देन फर्स्ट जो है हम आज देखने वाले हैं वो है असाइनमेंट्स, जो कि हमारे हमको पहले स्कूल में दिए जाते थे, कॉलेज में भी दिए जाते हैं, हमने बहुत सारे असाइनमेंट्स किए होंगे। तो असाइनमेंट्स क्या है? असाइनमेंट्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ पर्पजेज, सच एज एक्वायरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सर्विंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो असाइनमेंट्स में क्या होता है, टॉपिक दिया जाता है या फिर क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो हमें सॉल्व करने पड़ते हैं, या फिर सर्वे करके हमको असाइनमेंट क्लियर करना होता है। ये सब क्या है, ये असाइनमेंट हम कर चुके हैं, दैट्स हमें पता है असाइनमेंट कैसे होता है। ओके, देन ऑल्दो द मेन रोल ऑफ द, तो इसमें असाइनमेंट में क्या होता है, लर्नर का मेन रोल होता है, लेकिन टीचर भी थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चंस वगैरह उनके द्वारा आए हैं तो उनका भी रोल है, पर मेन रोल जो होता है वो लर्नर का होता है। ओके, द टीचर हैज़ टू प्लान असाइनमेंट एंड गाइड द स्टूडेंट रिगार्डिंग फॉर कलेक्टिंग रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन और रेफरेंसेस, मतलब कि टीचर को क्या करना पड़ता है कि प्लान करना पड़ता है कि बच्चों को ये असाइनमेंट्स देना है और उसको उनको गाइड करना है ताकि इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल सके। तो असाइनमेंट्स तो हमको पता ही है, ये बहुत ईजी हो गया। ओके, देन असाइनमेंट क्या है फिर, असाइनमेंट्स कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एनी टॉपिक, तो ये किसी भी टॉपिक में प्रिपेयर हो सकता है, बट द नेचर ऑफ असाइनमेंट शुड बी सच दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट मेयरली कॉपी फ्रॉम द बुक। तो ऐसा असाइनमेंट हम टीचर को देना पड़ता है जो कि स्टूडेंट्स जो है ना वो कॉपी ना कर सके बुक से, थोड़ा सा अलग देना पड़ता है। ओके, द असाइनमेंट शुड बी ओपन एंडेड एंड शुड प्रोमोट क्रिएटिविटी। तो असाइनमेंट का मेन पर्पज़ क्या है, जो वो है ओपन एंडेड होना चाहिए, मतलब कि
और स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट का जो है ना वो क्रिएटिव लेवल असाइनमेंट से बढ़ना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे टॉपिक होने चाहिए, ये असाइनमेंट में, ये असाइनमेंट का पर्पस है। ओके देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इट हेल्प स्टूडेंट वर्क इंडिपेंडेंटली। तो ये क्या करेगा असाइनमेंट, तो असाइनमेंट स्टूडेंट्स को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए मदद करेगा। देन इट हेल्प शार्पन द स्टूडेंट्स कंपेरिशन एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, मतलब यह छात्र की समझ विश्लेषणात्मक को तेज करने में मदद करेगा और समस्या को सुलझाएगा। ओके देन इट हेल्प द हेल्प्स इन द इंक्लूकेशन ऑफ क्रिएटिविटी अमॉन्ग देम, मतलब कि जो क्रिएटिविटी है उनको वो बढ़ावा देगा। देन लिमिटेशन, हर हमने हर मेथड्स के लिमिटेशन पढ़े हैं जो कि पूछे जाते हैं। द स्टूडेंट्स मे कॉपी ईच अदर मटेरियल अनलेस द असाइनमेंट्स आर केयरफुली प्लान, मतलब कि अगर केयरफुली प्लान नहीं किया होगा असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस, तो स्टूडेंट्स कॉपी भी करके अपने असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं, पर ये कॉपी करेंगे तो असाइनमेंट का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कि जो पर्पस है असाइनमेंट का कि स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बढ़नी चाहिए या फिर वो अच्छे से उस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए या फिर खुद का जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहिए, ये नहीं होगा पॉसिबल। दैट्स वाई टीचर को ही उनको अलग अलग से क्वेश्चन देके या फिर अलग अलग सबको टॉपिक देके असाइनमेंट केयरफुली प्लान करना चाहिए। देन केस स्टडी, केस स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ स्टूडेंट हु हैव बीन एक्सपोज्ड ओनली टू द ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। केस स्टडीज कॉल फॉर अ मेजर चेंज इन देयर अप्रोच टू लर्निंग, मतलब कि जो छात्र केवल पारंपरिक शिक्षण जो ट्रेडिशनल मेथड होती है ना उनसे परिचित है, उनके लिए केस स्टडीज सीखने के प्रति उनके दृष्टिकोण में एक बड़े बदलाव की मांग करता है। मतलब कि जो कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड जानते हैं स्टूडेंट्स, उनको केस स्टडी का अप्रोच मेजर चेंज लाएगा उनके इसमें। तो केस स्टडी क्या है, इन अ केस इज यूजली अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन एक्चुअल सिचुएशन कॉमनली इन्वॉल्विंग अ डिसीजन, मतलब कि एक केस क्या होता है, आमतौर पर एक वास्तविक स्थिति का वर्णन होता है जो कि एक्चुअल सिचुएशन है, जिसके आमतौर पर एक निर्णय या फिर चैलेंज अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर और प्रॉब्लम और एन इश्यू फेस बाय द पर्सन और पर्सन इन अ सोशल सेटअप सच एज ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि केस क्या है, आमतौर पर यह वास्तविक स्थिति का वर्णन होता है जो कि जिसमें आमतौर पर एक निर्णय, एक चुनौती, एक अवसर या फिर समस्या का संगठन होता है व्यक्ति के साथ, जो कि व्यक्तियों द्वारा सामना किया जाता है। ओके इन लर्निंग विद द केस स्टडी द स्टूडेंट्स मस्ट डील विद द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड इन द केस, मतलब कि लर्निंग में मतलब पढ़ने में क्या होता है, तो स्टूडेंट को डील करना पड़ता है ऐसी सिचुएशन में, ओके जो कि केस में डिस्क्राइब की है। एग्जाम इन द रोल ऑफ डिसीजन मेकर फेसिंग द सिचुएशन, मतलब कि कैसा होता है इस मामले में, मामले के साथ सीखने में पढ़ाई के दौरान छात्रों के मामले में वर्णित स्थितियों से निपटना होगा, यानी स्थिति का सामना करना पड़ेगा इनको। दिस मेथड हैज़ एप्लीकेशन अक्रॉस डिसिप्लिन सच एज साइकोलॉजी, मैनेजमेंट, बायोलॉजी। तो इसको, इस पद्धति केस स्टडी को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन से सब्जेक्ट में यूज़ किया जाता है, तो वो यूज़ किया जाता है साइकोलॉजी में, मैनेजमेंट में, बायोलॉजी में, लॉ, हिस्ट्री, सोशोलॉजी में यूज़ किया जाता है। ओके By allowing student to gain hands-on experience of the real world and shifting the work focus from professor to student, मतलब कि छात्रों को वास्तविक दुनिया का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए केस स्टडी यूज किया जाता है, जो रियल लाइफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ओके देन काम का ध्यान प्रोफेसर से छात्र पर स्थानांतरित करने की अनुमति देकर केस स्टडी पद्धति शिक्षण केंद्रित के बजाय शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के निर्माण के लिए कुशल उपकरण मानी जाती है। मतलब कि जो केस स्टडी है ना वो टीचर सेंटर के बजाय लर्नर सेंटर होनी चाहिए, उसको लर्नर सेंटर बनाया जा सकता है। तो इसी मेथड से बनाया जा सकता है, क्योंकि जो इन हैंड मतलब जो कि गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, मतलब कि स्टूडेंट को ही अनुभव, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए केस स्टडी होती है ना, दैट्स व्हाई प्रोफेसर से स्टूडेंट इसको शिफ्ट करना चाहिए, वर्क को, शिफ्टिंग द वर्क फोकस फ्रॉम प्रोफेसर टू स्टूडेंट। इससे क्या होगा, टीचर सेंटर एजुकेशन के बजाय लर्नर सेंटर एजुकेशन होगा। ओके द स्टूडेंट बिकम्स एक्टिवली इन्वॉल्व, इससे क्या होगा, स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व हो गए कोर्स में, और देयर इज नो लॉन्गर एन ऑब्जर्वर इन द क्लास डेवलपमेंट, मतलब कि कक्षा में विकास में पर्यवेक्षण नहीं रहेगा। ओके देन द केसेस कैन बी शॉर्ट फ्रॉम ब्रीफ क्लासरूम डिस्कशन, तो केसेस क्या हो सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकते हैं, जो कि है ब्रीफ क्लासरूम डिस्कशन होगा या फिर लॉन्ग इलाबरेट सेमिस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होंगे। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन अ क्लासरूम, तो इसका मेन केस स्टडी का आपको याद रखना है कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये आप याद रखिए। ओके इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन अ क्लासरूम, मतलब कि जो रियल प्रॉब्लम्स है वो क्लासरूम में आए या फिर वर्कशॉप में आए और
उनके सॉल्यूशंस के स्टडी द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, मतलब स्टूडेंट्स को ही निकालना पड़ेगा। मतलब कि कैसे, एग्जांपल अगर डॉक्टर हम कर रहे हैं, डॉक्टर का कोर्स BAMS वगैरह कर रहे हैं, तो उनको एक एक रोगी दिया जाएगा, इनको ये प्रॉब्लम्स है, आप उसका सॉल्यूशन निकालिए अपने तरीके से, ऐसा ऐसा दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, रियल लाइफ प्रॉब्लम जो है उनका सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में ला रहे हैं, कौन निकाल रहा है, स्टूडेंट्स निकाल रहे हैं, तो ये केस स्टडी होगी। ओके, दिस इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड मे लीड टू इनोवेशन सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो इससे क्या होगा, जो ऑलरेडी सोल्यूशन है या सोल्यूशन आया है प्रॉब्लम्स का वो तो रहेगा, लेकिन कुछ इनोवेटिव सोल्यूशंस भी मिलेंगे जो स्टूडेंट्स निकालेंगे। ओके, दैट्स वाई केस स्टडी क्या होती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है और वो बहुत इनोवेटिव सोल्यूशंस देती है, दैट्स वाई ये केस स्टडी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ओके, देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द पार्टिसिपेट टू एनालाइज, क्रिटिकली एग्जामिन, इवोल्यूएट एंड एक्सप्रेस रिजल्ट ओपिनियन। तो ऑब्वियसली फिर ये केस स्टडी क्या अपॉर्चुनिटी देगी, ये पार्टिसिपेंट को, मतलब स्टूडेंट्स को एनालाइज करने में मदद करेगी, एग्जामिन करने में मदद करेगी, इवोल्यूएट करने में मदद करेगी, और प्रॉब्लम जो कि है ऑलरेडी उसका सोल्यूशन ढूंढने में मदद करेगी, है ना। देन इट इट एनहांस डिसीजन मेकिंग, तो वो खुद से डिसीजन लेना लेने के लिए वो कौशल बढ़ाता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी उनकी स्किल जो है वो बढ़ाता है। ओके, यह निर्णय लेने और समस्या सुलझाने के कौशल को बढ़ाता है। देन इट इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन विच में लीड टू इनोवेटिव सोल्यूशन, मतलब कि यह सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है जिसमें नवीन समाधान निकला, मतलब कि जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे वो नए नए सॉल्यूशंस भी निकाल सकते हैं ना, जो कि ऑलरेडी सॉल्यूशन निकले हैं उससे अलग भी वो इनोवेटिव सॉल्यूशन निकाल सकते हैं खुद से। तो उसके लिमिटेशन क्या होगा केस स्टडी के, इट रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर द टीचर्स टू यूज़ दिस मेथड। तो ऑब्वियसली टीचर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी केस स्टडी को, कैसे कैसे प्रशिक्षण, मतलब कि इस पद्धति का उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। ओके, देन इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर ऑल सब्जेक्ट एंड सिचुएशन, तो यह सभी विषयों को एवं स्थितियों के लिए उपयोगी नहीं हो गया। ठीक है, तो केस स्टडी किस किन किन सब्जेक्ट के लिए थे, तो बायोलॉजी के लिए था, लॉ, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी के लिए थे, दैट्स वाई ये थोड़े से ही है, तो सभी सब्जेक्ट के लिए ये उपयोगी नहीं होंगे। देन हम पढ़ेंगे प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है, क्रमादेशित अनुदेश। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या है, PI इज अ जनरल टर्म ऑफ फॉर हाईली स्ट्रक्चर सिस्टम फॉर लर्निंग, मतलब कि ये सीखने की एक उच्च संरचित प्रणाली के लिए एक सामान्य शब्द है, विच इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्फ पेस्ड, मतलब कि ये किस पे बेस्ड है, ये स्वगति पे बेस्ड है, और लर्निंग स्टेप्स विथ फीडबैक बिटवीन ईच स्टेप, मतलब कि सीखने के चरणों के तार्किक अनुक्रम पे आधारित है। देन लर्नर गेट्स इमीडिएट फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का क्या है, इसमें ना तुरंत फीडबैक मिलता है, इमीडिएट फीडबैक। तो आप इमीडिएट फीडबैक, इसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का पर्यायी शब्द करके शॉर्ट्स में आप लिख सकते हैं, जो आप नोट्स बनाते होंगे तो उसमें आप लिख लीजिए कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आगे इमीडिएट फीडबैक। ये क्या होगा, इससे आप याद कर पाएंगे, इमीडिएट फीडबैक लिखिए और सेल्फ पेस्ट लिखिए, इससे क्या होगा, इससे आपको याद रहेगा कि नई नई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में शॉर्ट एक जो पॉइंट हम लिखते हैं वो सेल्फ पेस्ट है और इमीडिएट फीडबैक है, इसमें इमीडिएट फीडबैक आता है और ये सीक्वेंस कैसा होता है, स्वगति से होता है। देन एडवांटेजेस क्या है, देयर इज अ रेगुलर फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तो ये क्या है, ये एडवांटेजेस हो जाएगा। देन दिस इंश्योर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर एंड इट कैन बी यूज फॉर एनी सब्जेक्ट। तो इसमें क्या होता है, शिक्षार्थी का सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है, मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लर्नर का, स्टूडेंट का, देन इट कैन बी यूज फॉर एनी सब्जेक्ट, तो ये किसी भी सब्जेक्ट में यूज किया जा सकता है। देन इसके लिमिटेशन क्या हो गए, फिर लिमिटेशन क्या हो गए इसके, लर्नर मोटिवेशन मे गेट डिमाइंस्ड आफ्टर सम टाइम, मतलब कि कुछ समय के बाद शिक्षार्थी की प्रेरणा कम हो सकती है। तो कैसे, मतलब कि प्रोग्राम्ड जो इंस्ट्रक्शन है इसमें कुछ समय के बाद लर्नर मोटिवेशन कम हो सकता है, तो ये लिमिटेशन है इसकी। देन क्या हम पढ़ने वाले हैं, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये जो है ना, ये मैं थोड़ा बेसिक से ले रही हूँ, ये हमेशा काम आएगा, क्योंकि नेट में कैसा होता है ना, नेट में
क्वेश्चंस थोड़ा डीप पूछते हैं और बेसिक से पूछते हैं, दैट्स व्हाई वो हमें हार्ड लगते हैं। जब अगर आप बेसिक से नहीं करोगे ना, तब तक के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और कभी अगर क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो ना, तो लॉजिक से क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व हो गया। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना, तो आप लॉजिक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ओके, देन पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में क्या है? निर्देश की व्यक्तिकृत प्रणाली जो कि है PSI कैन बी यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो पहला क्या है, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। मैटर एक्सेप्ट वेयर द स्टूडेंट्स आर टू सिलेक्ट द कंटेंट, मतलब कि सिवाय इसके कि जहाँ छात्रों की छात्रों को खुद को मतलब स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है कंटेंट, वो एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब कि उसके सिवाय। देन लर्नर्स मस्ट अचीव मास्टरी ऑन अ सीरीज ऑफ अ रिटर्न मास्टरी यूनिट्स, मतलब कि शिक्षार्थी को अंतिम परीक्षा में आगे बढ़ने से हाँ, लर्नर मस्ट अचीव मास्टरी ऑन अ सीरीज ऑफ रिटर्न मास्टरी यूनिट असिस्ट बाय द टीचर, मतलब कि शिक्षार्थियों को अंतिम परीक्षा में आगे बढ़ने से पहले शिक्षकों प्रोक्टरों समृद्ध व्याख्यानों की सहायता से लिखित महारत। ओके, लर्नर मस्ट अचीव मास्टरी, उनको मास्टरी अचीव करने पड़ेगी रिटर्न मास्टरी यूनिट्स में, जो कि टीचर्स के द्वारा, प्रोकेटर्स के द्वारा या फिर कोई भी लेक्चर्स के द्वारा उनको मास्टरी अचीव करनी पड़ेगी। और किस लिए? प्रोसीडिंग टू द फाइनल टेस्ट के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, मास्टरी अचीव करनी पड़ेगी पर्सनल सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। इसमें PSI कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसमें क्या है, पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन में मास्टरी करनी पड़ेगी कौन से भी सब्जेक्ट के लिए। देन सेल्फ पेसिंग होगी, खुद से ही करना पड़ेगा। देन स्ट्रेस ऑन रिटर्न मटेरियल, तो लिखित सामग्री पे जोर देना पड़ेगा या फिर थोड़ा सा, नहीं क्या, क्योंकि रिटर्न जो है ना वो ये है इसमें आवश्यक है। देन प्रोकेटर्स, मतलब कि जो कि व्यक्ति है या फिर किसी की गाइडेंस लेनी पड़ेगी आपको। देन लेक्चर्स जो है, हमको लेक्चर्स करने पड़ेंगे तब जाके। तो इट इज़ अ बेस्ट सुटेड फॉर अ कंटेंट दैट इज़ यूजली कन्वेट थ्रू रिटर्न मटेरियल, तो यह सब सामग्री क्या है, सामग्री के लिए सबसे उपयुक्त है जिसे आमतौर पर लिखित सामग्री के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो ये जो प्रोग्राम PSI है ना, ये रिटर्न मटेरियल थ्रू ही कन्वे किया जाता है, ये आप याद रखिए। देखिए इसका इसके पॉइंट्स क्या लिखेंगे आप, फिर रिटर्न मटेरियल करके कन्वे करेंगे। इसके 5 बेसिक एलिमेंट्स है जो कि है ये आपको शॉर्ट्स नोट्स में लिखना पड़ेगा ये 5 भी। और ये पर्सनल PSI जो है वो ऑल सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है। देन ओके, देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इट बेस्ड ऑन द मास्टरी लर्निंग। तो इस ये क्या है, ये बेस्ड है और मास्टरी लर्निंग पे, ये क्या है इसका एडवांटेज है। देन इट फैसिलेट्स द सेल्फ पेस्ड लर्निंग, तो ये स्वगति से सीखने की सुविधा प्रदान करता है, सेल्फ पेस्ड है, तो ये क्या होगा, ये इसका एडवांटेज होगा। ओके, देन इसके लिमिटेशन क्या होंगे, फिर इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग कोर्स, तो ये जो चेंज होते हैं ना, पाठ्यक्रम जो चेंज होते हैं, तेजी से बदलते हैं ना, उनके कंटेंट्स के लिए ये उपयोगी नहीं होगी PSI। इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर साइकोमोटर अफेक्टिव डोमेन, मतलब कि यह साइकोमोटर और भावनात्मक डोमेन जो है ना, उनके लिए वो उपयुक्त नहीं होगी। देन आता है कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण जो कि है CAL, इज कंसर्न विद द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटर टू मेडिटेट द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लर्निंग प्रोसेस। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग जो है ना वो कंसर्न है सीखने की प्रक्रिया में सूचना के प्रभाव में मध्यस्थ करने के लिए कंप्यूटर के उपयोग से संबंधित है, मतलब कि यूज़ करने के लिए कंसर्न है कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग, जो कि क्या करेगा, कंप्यूटर को मेडिटेट करेगा फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ लर्निंग प्रोसेस, मतलब कि मदद करेगा लर्निंग प्रोसेस में, जो कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, है ना। अ कंप्यूटर हैज़ द एबिलिटी टू प्रोसेस इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली, ऑब्वियसली, तो कंप्यूटर में इंटरनेट है, दैट्स वाई इन्फॉर्मेशन जो होगी वो वेरी क्विकली मिलेगी, एक्यूरेट मिलेगी, और लर्नर जो है वो इजीली अडैप्ट कर पाएंगे और रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, है ना। देन जो लर्नर्स एंड टू अडॉप्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द लर्नर्स नीड डिफिकल्टीज एंड प्रोग्रेस, मतलब कि एक कंप्यूटर में जानकारी को बहुत तेजी से सटीक रूप से संसाधित करने के और सीखने वालों की जरूरतों, कठिनाइयों और प्रगति को अनुकूलित करने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता होती है, जो किसी किताब या वीडियो टेप की तुलना में कहीं अधिक है। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में हम इंटरनेट से हम इन्फॉर्मेशन निकालते हैं जो कि वेरी क्विकली होती है, समझ सकते हैं आसानी से, हमारे डिफिकल्टी हम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी, मतलब किसी किताब से या फिर वीडियो टेप से, लेक्चर से हम थोड़ा सा लेट कर पाएंगे, लेकिन इंटरनेट से हम इजीली इंफॉर्मेशन सर्च करके जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, है ना।
देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इट हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड बेटर कंट्रोल इन अ कंपैरिजन टू अदर मेथड। तो इससे क्या है, ये कंप्यूटर वाली जो है ना वो फ्लेक्सिबल भी है और बेटर कंट्रोल भी है, बेहतर है बाकी तुलना मेथड से। ओके, देन इट कैन बी इफेक्टिवली यूज फॉर ड्रिलिंग एंड प्रैक्टिसिंग सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। इसका उपयोग ड्रिलिंग और अभ्यास, सिमुलेशन और मॉडलिंग के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। देन इसके लिमिटेशन क्या होंगे, तो इट इज़ इम्पर्सनल एंड कॉस्टली। तो यह अव्यक्तिक है और महंगा है, कॉस्टली हो जाएगा ये जो है ना कंप्यूटर वगैरह, क्योंकि वो सेट करेंगे, फिर इंटरनेट लेंगे या फिर जो भी है वो एरिया में, तो ये सब करने में थोड़ा सा कॉस्टली जा सकता है। दैट्स वाई ये क्या होगा, ये लिमिटेशन में आएगा। देन आप हम पढ़ने वाले हैं ओपन लर्निंग। ओपन लर्निंग क्या होती है, इट इज़ अ फ्लेक्सिबल मेथड फॉर डिलीवरिंग द इंस्ट्रक्शंस वेयर द लर्नर हैज़ ओपन एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्सेज ऑफ पीपल, मटेरियल, इक्विपमेंट एंड एकोमोडेशन। मतलब कि एक फ्लेक्सिबल मेथड है जो इंस्ट्रक्शन जो है ना, जहाँ शिक्षार्थी को लोगों, सामग्री, उपकरण और आवास के सीखने के संसाधनों तक खुली पहुँच होती है। मतलब कि एक फ्लेक्सिबल मेथड है जो कि क्या करता है, इंस्ट्रक्शन डिलीवर करता है, लर्नर को ओपन एक्सेस देता है पढ़ने के लिए, मटेरियल देता है, इक्विपमेंट देता है, अकोमोडेशन देता है। ऑल्दो रेगुलर क्लास अटेंडेंस आर नॉट नेसेसरी, तो यहाँ पे रेगुलर क्लास अटेंड करना कुछ नेसेसरी नहीं है और रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है एडमिशन का। तो ओपन लर्निंग मतलब, तो इसका जो ये है ना लोगो, ओपन लर्निंग, तो ओपन मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन के बिना या फिर नॉट नेसेसरी क्लास अटेंडेंस, तो ये क्या होगा, ओपन लर्निंग होगा। जैसे कि ओपन बुक टेस्ट जो है ना, ओपन बुक टेस्ट अपनी नॉर्मल टेस्ट कैसी होती है कि नहीं देखना चाहिए या फिर खुद से लिखना पड़ेगा या ऐसा वैसा जो होता है नॉर्मली हम जो पे एग्ज़ाम देते हैं। ओपन बुक टेस्ट एक बार आई थी, तो ओपन बुक टेस्ट क्या होती थी, हम बुक दे देते थे, अगर हमारा हिंदी का पेपर है तो हिंदी का बुक दे देते थे और 3 यूनिट पे आपका क्वेश्चन पेपर बना है ये बता देते थे, और फिर हमें 3 यूनिट से आंसर्स लिखने पड़ते थे बुक से। पर ये जो है ना, ये क्या है, इस पे क्या था फिर ओपन लर्निंग में, इनके खुद से इन्होंने इंस्ट्रक्शन मतलब कि तरीका फाउंड किया था, उसके कुछ रूल्स थे है ना, तो ओपन बुक मतलब कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन है ना, तो उनके बस जो थे मेथड्स या फिर जो वैल्यू रेस्ट्रिक जो की थे वही बस फॉलो करना पड़ता था। लेकिन ये भी एक ओपन बुक टेस्ट में ओपन जो है ना उसका यही था कि रेस्ट्रिक्शन के सिवा। ओके, देन द फेस टू फेस इंट्रैक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स थ्रू ट्यूटोरियल शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ ओपन लर्निंग। मतलब कि ट्यूटोरियल के माध्यम से शिक्षक और छात्रों के बीच आमने सामने की बातचीत को खुली शिक्षा का एक हिस्सा माना जाता है। मतलब कि इंटरेक्शन बिटवीन जो टीचर एंड स्टूडेंट है फेस टू फेस, उसको भी ट्यूटोरियल में जो होता है वो ओपन लर्निंग का पार्ट माना जाता है। फॉर ओपन लर्निंग द लर्निंग पैकेजेस आर टू बी डेवलप्ड मेकिंग यूज ऑफ मल्टीमीडिया। तो ओपन लर्निंग में लर्निंग पैकेजेस जो है ना, तो वो डेवलप किए जाते हैं मल्टीमीडिया से। ओपन लर्निंग इंस्ट्रक्शन इज हाउ आर नॉट सुटेबल फॉर रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ कंटेंट। तो ये भी जो है ना ओपन लर्निंग, ये भी कंटेंट जो है ना उनको जो रैपिडली चेंज होते हैं ना कंटेंट, उनके लिए नहीं है ये ओपन लर्निंग एज दिस इन्वॉल्व। क्योंकि इसके लिए क्या होता है, ओपन लर्निंग के लिए टाइम चाहिए होता है, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, एक्सपर्टीज चाहिए होती है, विशेषज्ञ चाहिए होते हैं, संसाधन, समय। दैट्स वाई ये जो होता है ना, ये इसके ये रैपिडली चेंजिंग नेचर ऑफ कंटेंट के लिए नहीं बना है ओपन लर्निंग। देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लर्नर। मतलब कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है लर्नर को, मतलब कहीं से भी पढ़ सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो ये क्या हुआ, एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। देन लिमिटेशन क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर अचीविंग साइकोमोटर एंड अफेक्टिव लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो ये साइकोमोटर और प्रभावशाली शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या है, उपयुक्त नहीं है। देन इट रिक्वायर्स टाइम, तो यही है लिमिटेशन इसके कि इसके लिए टाइम चाहिए होगा, एक्सपर्टीज चाहिए होंगे एंड रिसोर्सेज चाहिए होंगे, एंड इज हेंस नॉट सुटेबल फॉर सब्जेक्ट फॉर रैपिडली चेंजिंग। ओके, देन है इंटरैक्टिव वीडियो। तो ये क्या होता है फिर, इंटरैक्टिव वीडियो अप्रोचेस टू द टीचिंग It can be employed to achieve cognitive, psychomotor and affective objective। मतलब कि शिक्षण के लिए इंटरैक्टिव वीडियो के लिए
दृष्टिकोण को संज्ञात्मक, साइकोमोटर और प्रभावशाली उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नियोजित किया है. इट अलाउज टू लर्नर टू द रैंडमली एक्सेस एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक. तो इंटरैक्टिव वीडियो में क्या होता है, लर्नर को इजीली एक्सेस हो जाता है, एक्सेस होती है इंफॉर्मेशन, और उसको इमीडिएट फीडबैक भी मिलता है, बैक इमीडिएट फीडबैक रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन. तो उन्होंने जो भी मतलब प्रतिक्रिया उनको मिलती है, जो भी उन्होंने की होंगी उससे, ओके, जो भी हमने कार्य किया है उसका, उसके इमीडिएट फीडबैक मिलता है उनको. द इसेंस ऑफ द इंटरैक्टिव वीडियो एक्सपीरियंस इज वीडियो सिमुलेशन विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ रियल इमेजेस. मतलब कि इंटरैक्टिव वीडियो जो है ना, वो अनुभव का सार, वास्तविक छवियों को की अधिक संख्या में वीडियो प्रस्तुतियों के साथ वीडियो सिमुलेशन है. मतलब कि जो इसेंस है ना इंटरैक्टिव वीडियो एक्सपीरियंस का, ये वीडियो सिमुलाइजेशन देता है. सिमुलाइजेशन मतलब क्या, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, ट्रेनिंग जो होता है ना, वो वीडियो ट्रेनिंग देता है विद अ ग्रेटर नंबर ऑफ वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ रियल इमेजेस. तो ये वीडियो प्रेजेंटेशन होता है एक टाइप का, जो कि हमें फीडबैक, इमीडिएट फीडबैक देता है. तो ये भी आप याद कर सकते हैं. देन इसके एडवांटेजेस क्या है, इंटरैक्टिव वीडियो अप्रोचेस एनहांस द डिसीजन मेकिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल. मतलब कि इंटरैक्टिव वीडियो दृष्टिकोण किसी व्यक्ति की, व्यक्ति को निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाता है. इंटरैक्टिव वीडियो से क्या होता है, लर्नर का जो है ना वो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ता है. देन लिमिटेशन क्या है, दिस मेथड इज टाइम कंज्यूमिंग, रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज. तो इसको भी क्या चाहिए होता है, इसको भी टाइम चाहिए होता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है, रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज. ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेयरोस्टिक मेथड. आई होप आप सभी को समझ रहा है. ये वीडियो रिकॉर्डेड होने वाली है, दैट्स आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अभी जो हम आगे क्वेश्चंस भी लेंगे, आप उनके आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फर्स्ट का ये, सेकंड का ये. ओके, और आज का वीडियो आपको समझ में आया नहीं आया ये सब भी बताइए. देन कल से रोज़ 11 बजे होगा, आज थोड़ा टेक्निकल इशू था, दैट्स वाई थोड़ा प्रॉब्लम हो गया. ओके, देन हेयरिस्टिक मेथड जो है, अनुमानी विधि, दिस मेथड वॉज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये इनके द्वारा बनाई गई थी. दैन इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज़ टू फाइंड आउट द आंसर टू हीज और हर प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स. मतलब कि स्टूडेंट्स को खुद से ही ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी बिना किसी सहायता से. देन दस द चाइल्ड बिकम्स अ डिस्कवर ऑफ अ नॉलेज बाय डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. तो इससे क्या होगा, वो खुद से ही डेवलप करेगा नॉलेज और डिस्कवर करेगा और खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेगा. ओके, द मेन एम ऑफ टीचिंग बाय दिस मेथड इज नॉट टू प्रोवाइड मच फैक्ट्स अबाउट साइंस. तो ये क्या करेगा, ये इसका मेन एम क्या है टीचिंग का, इज नॉट ये प्रोवाइड नहीं करता अबाउट साइंस, मैथमेटिक्स, ग्रामर, बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन. मतलब कि नॉलेज कैसे मिल सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये हेयरिस्टिक मेथड बताता है. लेकिन ये ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करता, फैक्ट्स नहीं प्रोवाइड करता, जैसे कि साइंस में होता है या फिर ग्रामर वगैरह, वैसे नहीं, वो बस नॉलेज देता है. बट टू टीच हाउ नॉलेज ऑफ दिस कैन बी ऑब्टेन, मतलब कि बल्कि यह सिखाना है कि इनका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है. इस पद्धति से पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य विज्ञान, गणित, व्याकरण आदि के बारे में अधिक तथ्य प्रदान करना नहीं है, बल्कि यह सिखाना है कि इनका ज्ञान कैसे प्राप्त किया जा सकता है. ये क्या है, हेयरिस्टिक मेथड है. तो इट इज़ एडवोकेटेड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, ये भी इम्पोर्टेंट है. और इसमें क्या होगा, स्टूडेंट को खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा विदाउट एनी हेल्प. ओके, तो इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, तो ये खुद से सॉल्व करेगा, दैट्स व्हाई ये सेल्फ लर्निंग अप्रोच होगी, स्वशिक्षा दृष्टिकोण होगा. देन इसके लिमिटेशन क्या होंगे, नॉट मच फोकस ऑन अ फैक्चुअल नॉलेज. मतलब कि मैं अभी फैक्चुअल नॉलेज, अभी मैंने बताया ना साइंस में जो फैक्ट होते हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करता नॉलेज. ओके, तथ्यात्मक ज्ञान पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है. देन हम पढ़ने वाले हैं डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, DI, जो कि है. डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है, वो डायनामिक होता है, गतिशील होता है और प्रोएक्टिव मेथड है, ये सक्रिय पद्धति है. ओके, इट मीन्स दैट द टीचर प्लान्स एंड यूजेस अ वैरायटी ऑफ वेज टू टीच लर्निंग. मतलब कि इसका अर्थ है कि शिक्षक शिक्षण के लिए विभिन्न तरीके के योजना बनाता है और उनका उपयोग करता है. मतलब कि इससे क्या होता है, टीचर प्लान करता है और यूज़ करता है वैरायटी ऑफ टीचिंग लर्निंग में. और ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ होल ग्रुप है, जो कि स्मॉल ग्रुप है या फिर एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड है. मतलब कि एक कॉम्बिनेशन है संपूर्ण समूहों का, छोटे समूहों का या फिर व्यक्तिगत शिक्षण विधियों का, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है.
अपॉन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ओके, तो ये डायनामिक और प्रोएक्टिव मेथड है टीचिंग की, और यहाँ पे टीचर जो है ना प्लान करके वेराइटी ऑफ टीच वेज में लर्न टीच करते हैं। देन इन दिस मेथड द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर गिवन मोर वेटेज देन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। मतलब कि इस पद्धति में गुणात्मक पहलू को मात्रात्मक पहलुओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च सेकेंड यूनिट में डीपली पढ़ेंगे। ओके, देन इस पद्धति के में गुणात्मक पहलुओं को मात्रात्मक पहलुओं की तुलना में अधिक महत्व दिया जाता है। इट यूजेस मल्टीपल अप्रोच टू अकोमोडेट मल्टीपल इंटेलिजेंस। मतलब कि यह अनेक बुद्धिमत्ताओं को समायोजित करने के लिए अनेक दृष्टिकोणों का उपयोग करता है। इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड, तो यह स्टूडेंट सेंटर्ड है एंड मीनिंग दैट लेसन्स आर एंगेजिंग, रिलीवेंट, इंटरेस्टिंग एंड एक्टिव। तो इसमें क्या है, समायोजित करने के लिए अनेक दृष्टिकोणों का उपयोग करता है ये, और यह इसमें छात्र क्या होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जिसका अर्थ है कि जो कि लेसन जो है ना वो आकर्षण, प्रासंगिक, दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, एक्टिव है, और यह शिक्षण की एक संगठित एवं नियोजित पद्धति है। तो ये इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लान्ड मेथड ऑफ टीचिंग। ओके, कौन सी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, DI। ओके, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा असाइनमेंट्स, केस स्टडी, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर असिस्ट लर्निंग, इंटरएक्टिव वीडियो, DI, हेरिस्टिक मेथड। ओके, तो अभी हम क्वेश्चंस लेने वाले हैं। ये क्वेश्चंस के आंसर अभी लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डेड है, तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में उसके आंसर्स बताएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो बताइए, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, कोलाबरेटिव मेथड। तो इस पे पार्टिसिपेटिव प्रोसीजर, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, लर्निंग टुगेदर, और ये है ऑप्शंस। बताइए क्या क्या हो सकता है। लेक्चर मेथड में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज होता है ऑब्वियसली। तो थर्ड, देखिए ये थर्ड है, ये थर्ड है, ये दोनों कट गए। ओके, देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, देखिए लेक्चर मेथड लार्ज अमाउंट ऑफ नॉलेज, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है, प्रोजेक्ट मेथड जो होती है वो लर्निंग टुगेदर होती है, यानी एंड कोलाबरेटिव मेथड है पार्टिसिपेशन ट्यूब प्रोसीजर होती है। ओके, दैट्स व्हाई हमारा आंसर क्या है, डी है। देन सिंपोसियम इज अ टाइप ऑफ, मतलब संगोष्ठी एक प्रकार की है। सिंपोसियम हमने पढ़ा था एक मेथड में, याद करिएगा। डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, कौन से मेथड में हमने पढ़ा था यह सिंपोसियम? पढ़ा तो जरूर था क्योंकि मैंने खुद से ही पढ़ाया था आपको। बताइए, तो ये क्या है, ये है डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में मैंने आपको पढ़ाया था सिंपोसियम, ये क्या है, इसका टाइप है। ओके, देन थर्ड है आर्मस्ट्रांग वाज द मेन एक्सपोनेंट ऑफ, मतलब अभी हमने पढ़ा आर्मस्ट्रांग किसके मुख्य प्रतिपादक थे, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड की हेरिस्टिक मेथड, अनुमानी विधि, चर्चा विधि, परियोजना की समस्या समाधान विधि। आर्मस्ट्रांग कौन से, मतलब आर्मस्ट्रांग कौन से मेथड के मुख्य प्रतिपादक थे? ये थे हेरिस्टिक मेथड, जो कि हमने अभी पढ़ा था हमने। ओके, देन आगे का क्वेश्चन है, व्हेन प्रेजेंटिंग मटेरियल टीचर शुड कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सामग्री प्रस्तुत करते समय शिक्षकों को निम्नलिखित में से किस पर विचार करना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग, लर्निंग ओरिएंटेड, मोटिवेटिंग की ऑल ऑफ द अबव। मतलब कि सामग्री मटेरियल जो प्रस्तुत करते हैं टीचर्स, तो वो प्रस्तुत करने के समय किस पर विचार करना चाहिए टीचर को? तो किस पर करना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग पे भी, लर्निंग ओरिएंटेड भी, मोटिवेटिंग भी, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव होगा। हमारा आंसर क्या हो सकता है, डी होगा हमारा आंसर। देन फिफ्थ जो है, द टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज मेकिंग टीचिंग, मतलब शिक्षा में प्रौद्योगिकी शिक्षा बना रही है, लर्नर ओरिएंटेड, टीचर ओरिएंटेड, बोथ A&B एंड सोशल मीडिया ओरिएंटेड। तो टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन की, वो कैसे टीचिंग बना रही है, कौन सी मेथड ज़्यादा यूज़ कर रही है, या फिर
किस तरीके से बनाना चाह रही है, लर्नर सेंटर की, टीचर सेंटर की, दोनों, या फिर सोशल मीडिया ओरिएंटेड? आपके आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं चेक करूँगी। ओके, और कल रोज़ की तरह 11 बजे होगा क्लास। ओके, प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है, लर्नर ओरिएंटेड बनाना चाह रही है एजुकेशन टेक्नोलॉजी टीचिंग को, क्योंकि इससे क्या होगा, मतलब लर्नर ओरिएंटेड मतलब उसमें ही सब आ गया कि खुद लर्नर पढ़ सके, ओपन लर्निंग कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे मेथड्स वेज ला रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट्स हैव फ्रॉम ग्रुप लर्निंग? तो ग्रुप लर्निंग जो है समूह शिक्षण में कौन सी अपेक्षा यह होती है, टू गेट अप्रिशिएट फ्रॉम द ग्रुप, टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्क इक्वली, टू इग्नोर इंडिविजुअल व्यू पॉइंट, या फिर टू मोटिवेट आइसोलेटेड स्टूडेंट टू बिकम मेंबर्स ऑफ द ग्रुप? मतलब कि समूहों से सराहना पाने के लिए, काम को समान रूप से वितरित करने के लिए, व्यक्तिगत दृष्टिकोण को नज़रअंदाज करने के लिए, या फिर पृथक छात्रों को समूह का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करना, क्या है ग्रुप लर्निंग का एक्सपेक्टेशन स्टूडेंट से? क्या है, टू मोटिवेट आइसोलेटेड स्टूडेंट टू बिकम मेंबर ऑफ द ग्रुप, मतलब कि जो कि स्टूडेंट्स हैं ना, जो बुझे बुझे से रहते हैं, उनको मोटिवेट करना ग्रुप लर्निंग में है, कि उनको मोटिवेट करके ग्रुप का हिस्सा बनाना, ग्रुप के लिए काम करवाना, या फिर इन द सेंस कि उनको आगे बढ़ाना ग्रुप, ये ग्रुप लर्निंग में क्या होगा, उनको मोटिवेट करेगा। देन द ह्यूरिस्टिक अप्रोच इज बेस्ड ऑन, तो जो हमने अभी पढ़ा ना अनुमानित चर्चा, वो किस पे डिपेंड है वो बताइए, ये डिपेंड है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी पे। ओके, देन ओके, थैंक यू, थैंक्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर द डे। कल हम पढ़ेंगे, कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, 11 बजे ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्ले स्टोर से आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पेपर वन या पेपर टू की बैच लेनी होंगी तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और कमेंट सेक्शन में आंसर्स बताइएगा क्वेश्चंस के। ओके, थैंक यू।